दीपा निटिंग चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं ये खूबसूरत, आसान और यूनिक सॉक्स डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप 20 मिनट के अंदर अंदर ये सॉक्स आसानी से बना सकते हैं और मैं ये छोटा साइज का बना रही हूँ, आप कोई भी साइज़ का आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये मेरा जल्दी आने वीडियो है। अभी तक मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में रहकर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिसकी वजह से ये आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का ये शख्स बनाने के तरीके। मैं एक शख्स बना चुकी हूँ, इसी तरह का मैं दूसरे शख्स बनाकर दिखाऊंगी। देखिए इसका ऊपर का जो फ्लावर है, ये आप बड़ा बनाओगे तो आपका ये बड़ा साइज का बन जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए इस तरीके से आपको एक लूप बनाना है, इस तरीके से। ये लूप बनाने के बाद आपको चेन डालनी है। इसमें हम चार चेन डालेंगे, एक दो तीन अरे चार। चार चेन बनाने के बाद धागा लपेटना है क्रूस में। क्रूस में धागे लपेटने के बाद ये लास्ट का चेन है, इसी में हम डबल क्रूसे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बनाना है। फिर आपको एक बार लपेटनी है, फिर इसी होल में आपको डबल क्रूसे बनाना है। देखिए इस तरीके से बनाना है। देखिए इस तरह का डिज़ाइन आना है और इसका ऊपर फिर हम और इसका ऊपर दो चेन बनाना है। इस तरीके से बनाइए, फिर एक बार लपेटनी है धागा क्रूस में और लास्ट वाला चेन में फिर डबल क्रूसे बनाना है। इस तरीके से बनाना है आपको। इसी तरीके से बनाते हुए आपको फ्लावर बनाना है। देखिए इस तरीके से, और फिर इसका ऊपर फिर दो चेन डालना है, फिर एक बार लपेटनी है क्रूस में धागा और फिर लास्ट होल में आपको फिर इसी तरीके से डबल क्रूसे बनाना है। तीन बार, दो बार और ये तीन बार इस तरीके से बनाइए। फिर इसका ऊपर फिर दो चेन डालना है, फिर इसी होल में आपको एक बार क्रूस में धागे लपेटते हुए तीन बार डबल क्रूस बीन लेना है। फिर इसका ऊपर आपको दो चेन डालना है, एक और एक दो, और फिर जो हम चेन डाले थे तीन चेन, उसके ऊपर में हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरीके से बिन लेना है और फिर आपको एक चेन डालना है और फिर धागा खींचना है। फिर धागा खींचने के बाद आपको ये धागा कट करना है। मैं कट करती हूँ, देखिए ये मैं कट कर चुकी हूँ। और इस तरीके से आपको नॉट लगाना है। देखिए ये धागे आपको, ये दूसरी धागे आपको कट करना है और फिर ये वाले धागे आपको देखिए इस तरीके से चेन से बाहर निकालना है। फिर चेन में क्रूशे डालना है और फिर धागा इस तरीके से खींचना है, जिसकी वजह से ये लॉक हो जाता है और आपका बुनाई भी मजबूत होता है, इसलिए आपको इसी तरीके से बुन लेना है। देखिए इस तरीके से आपको धागा छुपाना है। देखिए इस तरह का बनेगा। देखिए उल्टी साइड में आपको ये बहुत ही सुंदर नज़र आता है। देखिए अब इसका ऊपर हम फिर धागा चेंज करने वाले हैं। इस तरीके से धागा चेंज करिए। धागा चेंज करने के बाद आपको इधर एक गांठ लगाना है इस तरीके से। अब फिर देखिए इसका ऊपर आपको किस तरीके से बिनने है। देखिए ये धागे आपको इस तरीके से लेना है और फिर इस तरीके से तीन बार आपको चेन डालना है, एक दो तीन। फिर देखिए एक बार लपेटने है क्रूसे में धागा और फिर डबल क्रूसे बिन लेना है। इस तरीके से हम
और एक बार डबल क्रोशे बिनेंगे इस तरीके से। और फिर इसका ऊपर हम दो चैन डालेंगे, एक दो। और फिर इसी तरीके से इसी होल में आपको डबल क्रोशे तीन बार बुन लेना है, एक बार, दो बार और ये तीन बार। इस तरीके से बुन लेना है, देखिए। फिर हम इसी तरह का डिजाइन बनाएंगे बाकी में भी। एक बार लपेटने के पूरे इसमें धागा, और फिर ये जो होल है इसी में हम तीन बार डबल क्रोशे बनाएंगे, एक बार, दो बार और ये तीन बार। फिर दो चेन, फिर क्रोशे में धागा लपेटना है, फिर डबल क्रोशे बनाना है तीन बार, एक बार, दो बार और ये तीन बार। इस तरीके से बुन लेना है, बाकी में भी आप इसी तरीके से बनाइए, मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। देखिए इस तरीके से बनाने के बाद ये जो चेन है, चेन का ऊपर का चेन में आपको स्लिप स्टिच करना है। देखिए इस तरीके से बनेगा ये फ्लावर। अगर आप बड़ा साइज का शूज बनाना चाहते हो तो ये फ्लावर बड़ा बना सकते हैं। देखिए एक चेन डालना है, चेन डालने के बाद आपको ये धागे कट करना है और इस तरीके से खींचना है, जिसकी वजह से इधर लॉक लग जाता है। अब देखिए हम ये धागा कट करते हैं और फिर इसका ऊपर हम दूसरी कलर का धागे डालकर बीनते हैं। देखिए कितना सुंदर है। अगर आप ये बड़ा बनाए तो आपका ये बड़ा शूज बनेगा। देखिए इस तरीके से कितना है आपको। अब फिर इसका ऊपर आपको धागे डालना है। हम इधर दूसरी रंग का धागे डालेंगे और देखिए ये जो धागा है इससे हम इस तरीके से लॉक लगाएंगे। आप भी इसी तरीके से ये धागे लॉक लगाइए। मैं भी इसी तरीके से ये धागे लॉक करती हूँ। देखिए अब दूसरे रंग का धागा डालना है इस तरीके से। ये धागा डालने के बाद आपको गांठ लगाना है, इस तरीके से गांठ लगाइए। और गांठ लगाने के बाद आपको ये धागा इस तरीके से लेना है। देखिए इधर से फिर इस तरीके से तीन चेन डालेंगे, फिर एक बार लपेटने हैं डबल क्रोशे बुनने के लिए, फिर एक बार इधर डबल क्रोशे इस तरीके से बुन लेना है। फिर देखिए इधर हम चेन में डबल क्रोशे बुन लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से बनाते हुए बुन लेना है। देखिए इस तरीके से बुन लेना है डबल क्रोशे बुनते हुए। अभी इसी तरीके से बनाइए। देखिए इधर फिर हम दो बार डबल क्रोशे बुन लेंगे इस तरीके से। और फिर इसका ऊपर आपको चेन डालनी है। चेन आपका पैर के हिसाब से डाल लेना है। इसमें मैं 30 चेन डालूँगी, अर्थात ये मेरे बड़े बच्चे का साइज का बना रही हूँ। आप यदि छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो तो इस तरीके से छोटे चेन डालकर बना सकते हैं। मैं इसमें 30 चेन डालकर बड़ा साइज का बना रही हूँ, आप आपका हिसाब से बनाइए। देखिए इस तरीके से चेन बनाने के बाद आपको इधर स्लिप स्टिच लगाना है, पर आपको ये चेन सीधी की ओर से जोड़ लेना है। फिर देखिए मैं इस तरीके से जोड़ती हूँ। देखिए चेन से क्रोशे बाहर निकालना है
और फिर इस तरीके से आपको जेल लेना है जिसकी वजह से ये उल्टी साइड आ जाता है, और फिर आपको इधर स्लिप स्टिच से जोड़ना है, देखिए इस तरीके से। और फिर इसका ऊपर हम तीन चेन डालेंगे, दो तीन डालने के बाद फिर इस तरीके से डबल क्रोशिया बीनते हुए बेल लेना है। आप भी इसी तरीके से बुन लीजिए, मैं भी इसी तरीके से बीनती हूँ। साड़ी में आपको इसी तरीके से डबल क्रोशिया बीन लेना है, मैं भी इसी तरीके से बीनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बीन लेना है। देखिए डबल क्रोशिया बीनती हुई मैं इधर आ चुकी हूँ, और फिर देखिए इधर भी मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया बीनती हूँ। फिर देखिए इधर हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही में, इस तरीके से बीन लेना है, यह हमारा इस तरीके से आएगा। फिर इधर से आपको चेन में बीन लेना है डबल क्रोशिया, इसी तरीके से एक एक करते हुए डबल क्रोशिया बेल लेना है आपको। इस तरीके से फिर देखिए इस तरीके से बीनने के बाद ये जो होल है इसमें हम दो बार डबल क्रोशिया बीन लेंगे इस तरीके से। आपको भी इसी तरीके से बेल लेना है। फिर देखिए इधर से चेन में डबल क्रोशिया बुनते हुए बुन लेना है, मैं भी इसी तरीके से बुनती हूँ डबल क्रोशिया। सारी चेन में आप भी इसी तरीके से बुनकर पूरी करिए। देखिए इधर से हमारा होल में आ रहे हैं, अब ये जो होल है इसमें हम दो बार डबल क्रोशिया बुन लेंगे, एक बार और फिर एक बार, इस तरीके से दो बार बुन लेना है। इस बात को रिपीट करते हुए बुन लेंगे, इस तरीके से बुन लेना है। और ये बुनने के बाद आपको किस तरीके से जोड़ाई करनी है ये मैं दिखाती हूँ। फिर देखिए इधर भी हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हुए बुन लेंगे, और फिर देखिए इधर हम इस तरीके से लपेटते हैं एक बार, और फिर इसी में दो बार डबल क्रोशिया बुन लेना है, इस तरीके से बुन लेना है, और फिर यह हमारा इस तरह का नज़र आएगा, बहुत ही सुंदर है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करें। और फिर इस तरीके से लक लगाना है स्लिप स्टिच अर्थात इस तरीके से। फिर इसका ऊपर तीन चेन डालना है डबल क्रोशिया बिनाई के लिए, हम तीन चेन डालनी है इस तरीके से। फिर डबल क्रोशिया बीनते हैं, सारी चेन में आपको इसी तरीके से बीनकर आधी पूरी करनी है। देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों तरफ आपको इस तरीके से मोड़कर देखना है, और देखने के बाद आपको मार्कर लगाना है इस तरीके से। और फिर मार्कर लगाने के बाद देखिए डबल क्रोशिया बेल लेना है आपको इस तरीके से। देखिए ये मार्कर का दोनों साइड का, ये साइड का एक और ये साइड का एक आपको घटाना है। देखिए ये घटाई वाले में बीनते हैं इस तरीके से, और फिर क्रोशिया से लूप निकाले बिना बीन लेंगे इस तरीके से, बीन लेना है। और देखिए क्रोशिया में हमारा चार लूप है, चार लूप में एक साथ निकालेंगे, देखिए इस तरीके से बीन लेना है। फिर देखिए इधर से हम साड़ी में डबल क्रोशिया बनाते हुए बीन लेंगे इस तरीके से।
देखिए मैं फिर बाकी में भी इसी तरीके से डबल क्रोशे से बीनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से बीन लेना है। अब इसी तरीके से बुनिए। इसी तरीके से बीनते हुए हम इसका ऊपर के साइड में आएंगे। देखिए इधर फिर हम फिर कटाई करते हैं। इस तरीके से लपेटनी है और कुर्सी से लूप निकाली बिनी दूसरी लूप में बिन लेना है, फिर एक साथ दो का एक। फिर देखिए इस तरीके से बिन लेना है, पर आपको कुर्सी से लूप निकालने नहीं है, फिर एक साथ बिनने हैं। फिर इधर से हम इसी तरीके से बीनते हैं डबल क्रोशे सारी चेन में। इसी तरीके से बीन लेना है आपको। देखिए मैं फिर इधर डबल क्रोशे बनाते हुए बीनती हूँ। अभी इसी तरीके से बुन लीजिए। फिर देखिए ये चेन वाले का ऊपर का चेन में आपको स्लिप स्टिच लगाना है इस तरीके से। यह हमारा इस तरीके से बन रहा है, बहुत ही सुंदर है। आप भी जरूर ट्राई करें और दोस्तों से भी शेयर करिए। फिर देखिए इसका ऊपर फिर तीन चेन डाल लेना है और तीन चेन डालने के बाद फिर डबल क्रोशे बीनते हुए बीन लेना है। देखिए डबल क्रोशे बनाते हुए इसका कटाई में आ रही हूँ मैं। देखिए इधर हम कटाई कर रहे थे और फिर देखिए ये वाले में आपको एक बार बुन लेना है और क्रोशे से लूप निकाले बिना आपको तीन बार बुन लेना है और इस तरीके से तीन का एक इस तरीके से बुन लेना है और फिर बाकी में आपको डबल क्रोशे बुनते हुए बुन लेना है। मैं भी इसी तरीके से बीनती हूँ। देखिए फिर मैं ऊपर का कटाई में आ रही हूँ इस तरीके से तीन लूप फिर तीन का एक। फिर देखिए इधर फिर हम इसी तरीके से कटाएंगे एक और दो और कुर्सी में तीन लूप होने के बाद तीन का एक। देखिए इस तरीके से कटाई करना है। देखिए इसका लुक बहुत ही सुंदर है और फिर आपको इसी तरीके से बेल लेना है। अगर आप छोटे साइज का बना रहे हो तो आपका इतनी बुनने के बाद ये पूरी हो जाता है। इस तरीके से बेल लेना है, बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। फिर देखिए इधर भी हम इसी तरीके से डबल क्रोशे बनाते हुए ये राउंड पूरी करते हैं। देखिए फिर इधर भी हम एक बार डबल क्रोशे बुनने के बाद ये ऊपर का जो चेन है इसमें आपको स्लिप स्टिच लगाना है। देखिए इस तरीके से, अगर ये छोटा बच्चा का साइज का बना रहे हो तो आपका ये तीन राउंड बुनने के बाद पूरी हो चुका है। और फिर ये आप बड़ा साइज की बच्चे के लिए बना रहे हो तो आप एक राउंड और बुन सकते हैं इस तरीके से डबल क्रोशे बुनते हुए बुन लीजिए। मैं भी इसी तरीके से बुनती हूँ। फिर देखिए आप इस तरीके से बीच में कटाइए इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है ये बच्चे का साइज का हो चुका है तो आप इधर बिना ही कटाई के भी बुन सकते हैं। इस तरीके से बुन लेना है। अगर आपको
लग रहा है ये बच्चे का साइज का हो चुका है। तो आप 3 राउंड बुनने के बाद बिना कटाई के भी बुन सकते हैं। देखिए इस तरीके से बुन लेना है और ये मार्क निकालना है आपको। और फिर देखिए ये ऊपर का साइड है, अब ऊपर का साइड में भी आपको इसी तरीके से कटाना है। देखिए इसमें भी आपको ये वाले मिल लेना है। फिर ये जो कटाई का है इसमें भी आपको इस तरीके से मिल लेना है। फिर 2 का 1 और फिर आपको इसमें भी इसी तरीके से बुन लेना है। देखिए इस तरीके से, अगर आपको लग रहा है इस साइड भी आपको कटाई का कोई भी ज़रूरत नहीं है तो आप 3 राउंड कटाई करने के बाद ये 4थी राउंड में बिना कटाई का भी बना सकते दोनों तरफ। और फिर इधर से आपको डबल क्रोशिया बेल लेना है इस तरीके से। मैं भी इसी तरीके से बीनती हूँ। देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया बीननी है। और डबल क्रोशिया बीनने के बाद इसका जो ऊपर का चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाना है और ये हमारा इस तरह का नज़र आ रहा है। देखिए ये मैं 4 राउंड बुन रही हूँ। 4 राउंड बुनने के बाद एक चेन डालकर ये धागा कट करना है इस तरीके से। धागे कट करने के बाद फिर इसका हम सिलाई करते हैं। ये शख्स का नीचे का हिस्सा है, इस तरीके से हम इसमें सिलाई करते हैं। ये गांठ लगा रही हूँ मैं, ये गांठ के नीचे से आपको सिया डालते हुए सिल लेना है। देखिए इस तरीके से सिल लेना है, आप इसी तरीके से सिल लीजिए। देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, मैं इधर भी इस तरीके से सिलते हुए इधर एक लक लगाऊंगी। फिर देखिए आपको इस तरीके से फिर लक लगाना है और ये आप धागे लग कर सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा बन रहा है, आप ये किसी भी साइज में आसानी से बना सकते हैं। जो ये ऊपर का फ्लावर है ये बड़ा बनाओगे तो आपका ये बड़ा साइज में बनेगा। बहुत ही सुंदर है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए दूसरी पेयर की भी आपको इसी तरीके से बेल लेना है। देखिए ये बहुत ही सुंदर है, आज आपसे शेयर कर रही थी। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और दोस्तों से भी शेयर करिए। आज का ये वीडियो से विदा होती हूँ, फिर कॉल मिलते हैं। मैं फिर कॉल नए वीडियो लेकर आऊँगी। आज के लिए विदा होती हूँ, फिर कॉल मिलते हैं। तब तक के लिए विदा होती हूँ। धन्यवाद।